सब्सक्राइब कीजिए मेरा गुरुजी चैनल को और घंटी दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जब आप किसी धातु के चम्मच का एक सिरा किसी ज्वाला पर रखते हैं तो दूसरा सिरा गर्म क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि चम्मच से होकर ऊष्मा प्रवाहित होती है। आइए एक एनिमेशन के माध्यम से संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण देखें। कमरे के तापमान पर चम्मच के कण परस्पर सघन रूप में आबद्ध हैं। आइए देखें कि क्या होता है जब चम्मच को बुनसेन बर्नर पर हम इस तरह से पकड़ते हैं कि इसका एक सिरा आग में हो। चम्मच के कण ऊष्मीय ऊर्जा प्रवाहित होने पर कंपन करते हैं और वे परस्पर उसी तरह टकराते हैं जिस तरह कैरम बोर्ड की गोटियां स्ट्राइकर से टकराने पर एक दूसरे से टकराती हैं। नोट करें कि ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण कणों के माध्यम से होता है। यह स्थानांतरण सदैव अधिक गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर होता है। इस प्रकार संचालन के माध्यम से ऊष्मा चम्मच के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। कुछ देर के बाद चम्मच का दूसरा सिरा भी काफी गर्म हो जाता है। चालन ऊष्मीय ऊर्जा का पदार्थ में प्रवाह है जो कणों से कणों में होता है।